हां जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। की तुसी जानते हो कि साडे गुरु घरां विच शान नाल झुलन वाले निशान साहिब दा असल विच रंग की होना चाहिदा है? नीला, केसरी, बसंती या फिर कोई होर? नाल ही गल करांगे अंग्रेजां दी कीती होई इक इहो जी चलाकी दी, जिदा करके अज भी गुरु घरां विच झुलन वाले निशान साहिब सिख कौम दी आजादी दा नहीं सगो गुलामी दा प्रतीक बने होए हन। साडे गुरु साहिबाना दे समय तो लैके हुण तक निशान साहिब विच की तब्दीलियां आईयां हन ते सिख मर्यादा अनुसार असल विच निशान साहिब दा स्वरूप किहो जिहा होना चाहीदा है, जाणांगे सब कुछ इस वीडियो विच। पर वीडियो शुरू करन तों पहलां जे तुसीं इस चैनल ते नवे आए हो तां सक्सैस दरा चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दिओ तां जो सिख इतिहास नाल जुड़े शानदार वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचते रहन। इतिहास के जिहड़े टॉपिक बारे भी तुसीं सोचते हो कि तुहानूं सब कुछ पता है, पहला वीडियो उस टॉपिक का ही वेखियो, तुहानूं 100 नवीं गल्लां पता लगणगियां। जे गौर करिए तो बाकी धर्मों में यह गल बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने झंडे का रंग की होना चाहिए है। मुसलमान समाज का हरा, हिंदू धर्म का लाल, RSS का भगवा। पर जे गल करिए सिख धर्म की तो इन्नी छोटी जी गल पता कर बंदा उलझ जाता है, कोई केसरी दसदा है, कोई नीला तो कोई बसंती। इंज जापदा है जिमें यह उलझना जान बुझ के पैदा की गई हूँ ता जो असी आपस में ही उलझते रहिए, बहसते रहिए तो कदे भी पंथ एकजुट ना हो सके। कुल मिला के कौम के बुद्धिजीवियों के दो तीन तरह के विचार निकल के सामने आते हैं तो अज आप इन विचार के आधार पर ही मुद्दे की तह तक पहुँचने की कोशिश करा। कौम के चोटी के इतिहासकार डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी ते उन्हां नाल सहमत विद्वान ये मानते हैं कि साढ़े गुरु साहबाना के काल में ही निशान साहब का रंग एक तो वध वार बदलन के प्रमाण मिलते हैं। तुहानू ये जान के हैरानी होगी कि तीसरे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास जी के समय से सिख पंथ के झंडे का रंग चिट्टा होया करता सी। चिट्टा यानी कि शांति का प्रतीक। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जो मीरी पीरी दियां दो कुरबानां धारण कीतियां तां उन्हां दे हुक्म सदका इस रंग नूं बदल के केसरी कर दिता गया। ते जदों दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजा उदों उन्हां ने खालसे नूं सुरमई नीले रंग नाल जोड़ दिता। जिहड़ा निशान साहिब बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने सरहंद नूं फतेह करके चलाया सी उहदा रंग भी सुरमई नीला ही सी। डॉक्टर उदोके मुताबिक इस तों बाद महाराजा रणजीत सिंह दे समय डोगरिया ने मंग की कि खालसे दे झंडे दे उत्ते नाल माता दी फोटो भी लाई जावे ते झंडे दा रंग बदल के भगवा कर दिता जावे। महाराजा रणजीत सिंह जी फोटो दी गल ते तां नहीं मन्ने पर झंडे दा रंग बदल दिता गया। इस गल तो श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार बाबा अकाली फूला सिंह जी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए सन ते उन्हां महाराजे दे ऑर्डर नूं मन्नन तो साफ साफ मना कर दिता सी। उन्हां निहंग सिंघां दे बाणे दा रंग ते निशान साहिब दा रंग उही रख्या जो गुरु साहिब ने दिता सी ते निहंग सिंघ जथेबंदियां अज भी निशान साहिब ते अपने बाणे राही उस रंग नाल जुड़े हुए हन जो गुरु साहिब ने बख्शिया सी। जिहड़ा विद्वानां दा दूसरा पक्ष है उन्हां दे विचार भी कोई बाले विलक्षण नहीं हन। उन्हां मुताबिक भी खालसा पंथ की स्थापना समय गुरु साहिब ने सुरमई नीला रंग ही चुनिया सी। बकायदा यह सब लिखित रूप विच ग्रंथां विच दर्ज भी करवाया गया सी। श्री आनंदपुर साहब छड्डन तो बाद सरसा नदी पार करदे समय साडा बहुत सारा कीमती साहित पानी दे वहाव विच रुड़ गया सी। मन्निया यह जांदा है कि यह साहित भी उस समय रुड़ गए होणगे ते जदों सैकेंड एंगलो वॉर तो बाद अपणियां दीआं गद्दारियां करन ही खालसा फौज नूं हार दा मूंह वेखणा पिया ते अंग्रेजां कारण गुरद्वारिआं दा प्रबंध महंतां दे हत्थ विच चला गया ते उन्हां ने अपनियां मनमानियां करनियां शुरू कर दित्तियां। गुरुद्वारिआं विच कंजरियां दे नाच, शराबां दे दौर चलणे, मासूम बच्चियां नाल जबर जिना, दरबार साहिब विच देवी देवतियां दीआं मूर्तियां दी स्थापना, साडे धार्मिक ग्रंथां विच मिलावट, की कुछ नहीं होया उन्हां समयां विच। उन्हां समयां विच ही निशान साहिब दा रंग बदल के नीले तों भगवा कर दिता गया होगा ते लगभग 70 सालां बाद जदों सिखां ने कई संघर्ष वड्ढ के कुरबानियां दे के गुरुद्वारे आजाद करवाए उस तों बाद काफ़ी सुधार किए गए। पर क्योंकि 70 साल एक बड़ा लंबा समा हुंदा है ते राह विखाउण लई साडे कोल कोई ग्रंथ मौजूद नहीं सी, इसलिए निशान साहिब दा रंग ज्यों दा त्यों ही रह गया। कुल मिला के वेख्या जावे तां दोवें तरहां दे विद्वानां दे विचारां दा सार यही निकलदा है कि खालसा पंथ दा बाणे ते निशान साहिब दा रंग असल विच सुरमई नीला ही है जो गुरु साहिब ने साडे लई चुणिया सी, ना कि ओह जिस रंग दे निशान साहिब अज 99% गुरद्वारिआं विच स्थापित हन, जो बिल्कुल उही रंग है जो RSS ते झंडे वर्गा भगवा है। इसे लिए ही कौम की एक तीसरी ते सब तो वड्डी धिर निशान साहिब दा रंग बदलन की नीति पिछे RSS दा हाथ मानते हैं, क्योंकि यह गल तो जग जाहर है कि RSS ते इन्हां सारे संगठनों का जोर सिखां नूं हिंदू साबित करन ते लग्या होया है।
पुराने समय विच भी गुरु घरां दे निशान साहब इसे सुरमई नीले रंग दे ही हुंदे सन। यह फोटो 1845 दे लागे तागे दी है, जदों अंग्रेजां दी सरगर्मियां पंजाब विच वधनियां शुरू होईयां सन। इत्थे भी निशान साहब दा रंग नीला ही है। जे अज दे निशान साहब वर्गा भगवा हुंदा तां इस ब्लैक एंड वाइट फोटो विच सोने दे गुंबद वर्गा रंग विखणा सी। ते हुण गल करदे हां अज दे निशान साहब दे सरूप विच छड्डी गई एक इहो जी गलती दी जिहनूं अज तों बहुत पहलां सुधार लैणा चाहीदा सी। बिल्कुल ध्यान नाल वेखियो इस फोटो नूं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी इह फोटो खालसा राज दे समें विच उकेरी गई है। इहदे विच निशान साहिब दे झंडे दा आकार उपरों सिद्धा ते तिरछा कोना थलड़े पासे नूं रख्या गया है। साडे निशान साहिब दी शेप असल विच इसे तरह दी ही होनी चाहीदी है, पर जदों गोरियां ने पंजाब ते कब्जा करके सिख राज दे सारे झंडे लाउण दा हुक्म जारी कीता, पर सिखां ने इह झंडा राजनीतिक दे नाल नाल धार्मिक होण दा हवाला दे के लाउण तों इनकार कर दिता। ते अंत विच इस गल ते सहमति बनी कि झंडा उपरों थले वल नूं रख्या जावे, क्योंकि झंडे दा तिरछा कोना उपरों थले वल नूं होना गुलाम होण दा प्रतीक हुंदा है। इस तों बाद ही निशान साहिब दी रूपरेखा बदलनी शुरू हो गई। फिलहाल भारत नूं आजाद होए 7 दहाकियां तों वध दा समां बीत गया है, पर अज भी साडे निशान साहिब दा आकार उही है जो अंग्रेजां ने इह याद कराउण लई साडे नाल जुड़िया सी कि असीं उहनां दे गुलाम हाँ, उहनां दी जुत्ती दे थले हाँ। ते असीं मूर्ख मत अज भी बिना सोचे समझे उही लकीर कुटी जा रहे हाँ। पर सोचण वाली गल है कि मेरे वर्गा एक आम बुद्धि वाला मनुख जिसनों इतिहास की कोई बाली जानकारी नहीं, जे सिर्फ कुछ दिनों की रिसर्च तो बाद यह गल मेरे ध्यान विच आ गई तो जेड़े अपने आप नूं बड़े वड्डे वड्डे बुद्धिजीवी ते विद्वान अखाउंदे हन, जिन्हें सारी उम्र काम ही यह किया है, जिन्हों को स्रोतों की ते स्रोतों चो तत् छांटन वाले इतिहासकारां दी टीम की कोई कमी नहीं है, यह गल उन्होंने अज तक क्यों नहीं चुकी? यह सवाल जदों मन विच उठता है तो बड़ी डूंगी सोच विच पा देंदा है। इन्हां सब तो अलावा भी गुरु साहिबान दे समय तो लैके हुण तक निशान साहिब दे विच होर कई वड्डे अंतर आए हैं। एक बार फिर गौर नाल वेखिए इस फोटो वल। पुरातन निशान साहिब दे विच एक कृपान, एक ढाल ते एक कटार बनी हुंदी सी, जदके अजकल खंडा साहिब बनिया हुंदा है। खंडे दा इह आकार वी साडा अपना नहीं, गोरियां ने इस नूं ब्रिटिश इंडियन आर्मी दी सिख रेजिमेंट लई तैयार करवाया सी। खंडे दा असल निशान कुछ इस तरह दा हुंदा है। इस तों अलावा पुरातन समय विच खंडे दे उत्ते फरला लग्या हुंदा सी, ओह वी इतिहास विच किते लुप्त हो के रह गया, पर अज 90% गुरद्वारियां विच जो निशान साहिब स्थापित हन उन्हां विच इस तीर दी थां खंडे ने लै लई है। हालांकि है तां खंडा वी साडा अपना ही, पर सिख रवायतां दे मुताबक इस थां ते तीर ही होना चाहीदा है। नाले खंडे दे उपर बैठ के पक्षी गंदगी करदे हन, जिस नाल खंडा साहिब दी ते निशान साहिब दी बेअदबी हुंदी है। कुल मिला के वेख्या जाए तो अज दे निशान साहब विच पहला वाला रह ही की गया है। निशान साहब दियां तो फोटो सामने रख के आप प्रतख रूप विच अंतर वेख सकते हैं, पर हाल साडी कौम दे भी इस नालों कोई बाले चंगे नहीं। अणगोले आप जिन्ना मर्जी करी जाइए, पर असल विच एक बहुत वड्डा चिंता का विषय है। होर भावें किसी वीडियो विच कमेंट करियो ना करियो, अज टाइप करके जरूर दस्यो कि तुहानू की लगता है कि यह सब कुछ अनजाणपुणे विच हो रहा है या इसके पिछे RSS या किसी होर दी कोई सोची समझी साजिश है। ते अपने धर्म च हो रही इन्हां मिलावटां नूं रोकण लई पंथ नूं, STPC नूं ते सानू संगत नूं की कदम चुकने चाहिए हैं? जानकारी वधिया लगी तो लाइक करके अगे वध तों वध शेयर करियो। कमेंट बॉक्स विच वाहिगुरू जी लिख के अपनी हाजरी जरूर लवा दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।